जरा सोचो, एक इंसान को मरने के बाद 24 घंटे के लिए दोबारा जिंदा कर दिया जाए, लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम लिन नाम की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ कीथ नाम के एक कैदी को लेकर जा रही थी। कीथ उन्हें अपनी कंपनी रेड माउंटेन की कहानी बता रहा था, पर जैसे ही वो सरहद के पास पहुंचे तो अचानक नकाबपोश गुंडों ने चारों ओर से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। लिन ने भी तुरंत अपनी बंदूक निकाली और अपने जबरदस्त निशाने से दुश्मनों को खत्म करने लगी, पर अचानक उसके हाथ पर गोली लग गई, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो कीथ को गाड़ी में बैठा कर तुरंत भाग निकली। उधर फ्लोरिडा शहर में ट्रेविस अपने ससुर फ्रैंक के साथ समुद्र किनारे बैठा था। आज ट्रेविस की पत्नी और बेटे को मरे हुए 1 साल हो गया था, इसीलिए फ्रैंक और ट्रेविस उनकी अस्थियां समुद्र में बहाने आए थे। वहां से लौटकर ट्रेविस एक बार में जाकर शराब पीने लगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। अब वो बाथरूम की ओर चल पड़ा और दोनों आदमी भी उसके पीछे हो लिए, लेकिन बाथरूम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि ट्रेविस तो वहां था ही नहीं। असल में वो औरतों के बाथरूम में छिप गया था और फिर बाहर आकर उसने एक रॉड से मर्दों के बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कुछ केमिकल्स मिलाकर बाथरूम में फेंक दिए, जिससे गुंडों का दम घुटने लगा और वो अपनी जान की भीख मांगने लगे। आखिरकार ट्रेविस ने उन्हें बाहर निकाला तो पता चला कि वो रेड माउंटेन कंपनी से आए थे। कंपनी चाहती थी कि ट्रेविस फिर से उनके लिए काम करे, लेकिन ट्रेविस ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रेविस की नजर अपने जिगरी दोस्त जिम पर पड़ी, जो अब भी रेड माउंटेन के लिए एक पेशेवर हत्यारे के तौर पर काम करता था। ट्रेविस अपने परिवार की मौत के बाद से काम पर नहीं लौटा था, इसीलिए जिम उससे बात करने आया था। उनके साथी कीथ को भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था और उसे छुड़ाने के लिए ट्रेविस की जरूरत थी। पहले तो ट्रेविस ने इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि 1 दिन के $1 मिलियन मिलेंगे तो वो राजी हो गया। अब ट्रेविस को लिन से मिलने हांगकांग जाना था। उधर लिन अपने बेटे क्रिस्टोफर से बात कर रही थी। लिन के काम पर होने की वजह से क्रिस्टोफर अपनी नानी के साथ रहता था। लिन ने उसे वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगी। फिर अगले दिन ट्रेविस भेष बदल कर लिन की माँ के घर आ पहुँचा। उसने खुद को लिन का पुराना दोस्त बताया और फिर उसे क्रिस्टोफर से पता चला कि लिन जल्द ही घर वापस आने वाली है। इसके बाद ट्रेविस ने बहाने से क्रिस्टोफर का बैग लिया और चुपके से उसका फोन हैक कर लिया। अब उसने तुरंत साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ी और लिन के पास पहुंच गया। फिर एयरपोर्ट पर उसने लिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जल्द ही अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए चली गई। अब ट्रेविस ने तुरंत रेड माउंटेन को इसकी खबर दी और उन्होंने जैसे तैसे लिन की फ्लाइट रद्द करवा दी। आखिरकार लिन वापस आकर उससे बात करने लगी और फिर ट्रेविस उसे डिनर के लिए बाहर ले गया। उसके बेधड़क अंदाज और जबरदस्त पर्सनालिटी से लिन भी उस पर लट्टू हो गई और उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी। फिर अगली सुबह जब लिन नहा रही थी तो ट्रेविस ने उसके फोन से खुफिया जानकारी चुरा ली और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसने चुपचाप बाथरूम में जाकर लिन पर गोली चला दी, लेकिन असल में ये सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। वो लिन की जान लेकर क्रिस्टोफर को अनाथ नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने चुपचाप बाहर आकर जिम को खबर कर दी कि कीथ का पता चल गया है। पर अचानक पीछे से लिन ने ट्रेविस पर बंदूक तान दी और उसे घुटने टेकने को कहा। जैसे ही ट्रेविस नीचे झुका तो एक गाड़ी वहां से गुजरी और मौके का फायदा उठाकर ट्रेविस ने अपनी बंदूक उठा ली। वो दोनों ही एक दूसरे पर अंधाधुन फायरिंग करने लगे। तभी अचानक लिन की गोली सीधा ट्रेविस की छाती में लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जल्द ही उसकी आंख खुली तो उसने खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार डॉक्टर हेलन ने उसे शांत किया और फिर जिम ने उसे सब कुछ समझाया। असल में रेड माउंटेन ये एक्सपेरिमेंट काफी समय से कर रहा है, जिसमें वो मर चुके लोगों को वापस जिंदा करते हैं, लेकिन उस इंसान को सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी मिलती है, जैसा कि ट्रेविस की कलाई पर बंधी हुई घड़ी दिखा रही थी। तभी रेड माउंटेन का बॉस वेट्सलर भी वहां आ गया और उसने ट्रेविस से कीथ का पता बताने को कहा। फिर उसने कीथ को छुड़ाने का मिशन जिम को सौंप दिया। वेट्सलर के जाने के बाद जिम ने डॉक्टर से ट्रेविस को मार डालने को कहा और खुद भी चला गया। अब हेलन ट्रेविस को इंजेक्शन देने ही वाली थी कि अचानक ट्रेविस ने उस पर हमला कर दिया। उसने गार्ड को मार डाला और फिर हेलन को बंदी बनाकर कमरे से बाहर आ गया। वहां से निकलते ही कई गार्ड्स ने उस पर हमला किया, लेकिन ट्रेविस उन सबका बाप था। उसने कुछ ही पलों में सबको ऊपर पहुंचा दिया, पर अचानक उसे अपने बेटे की झलक दिखाई देने लगी। तब हेलन ने बताया कि ऑपरेशन के बाद अक्सर पुरानी यादें दिखाई देती हैं। खैर,
सबको मार देने के बाद ट्रेविस हेलेन को छोड़कर वहां से भाग गया। बाद में उसने फ्रैंक को फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो वापस नहीं लौटेगा। फिर उसने एक टैक्सी ड्राइवर को धमकाकर उसकी टैक्सी चुरा ली और आगे निकल पड़ा। उधर कीथ एक बड़े होटल के कमरे में इंटेलिजेंस एजेंसी को अपना बयान दे रहा था। उसने उन्हें रेड माउंटेन के खिलाफ कई सारी खुफिया जानकारी देकर बताया कि कैसे वेट्सलर इंसानों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता है। वेट्सलर मरे हुए लोगों को जिंदा करने की तकनीक बनाना चाहता था, इसीलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसने न जाने कितने मासूमों को बेरहमी से मार डाला। अगर इन लाशों पर एक्सपेरिमेंट का असर नहीं होता था तो डॉक्टर्स इन्हें यूं ही सड़ने के लिए छोड़ देते थे। एक दिन कीथ ने देखा कि वेट्सलर ने सभी लाशों को एक के ऊपर एक लादकर एक साथ जलाने का हुक्म दे दिया। ये देखकर कीथ की रूह कांप गई और उसने रेड माउंटेन छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच लिन ने कमरे की खिड़की से देखा कि सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग में एक शूटर घात लगाए बैठा था। ये कोई और नहीं बल्कि जिम ही था। लिन ने तुरंत सबको नीचे झुकने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिम ने उसी पल धुआंधार गोलीबारी कर दी जिसमें कई ऑफिसर्स की मौत हो गई। लिन ने कीथ की जान तो बचा ली, पर बाहर निकलने से पहले कीथ ने कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल लिया। उधर जिम ने अपने आदमियों को बिल्डिंग में भेज दिया और जल्द ही रेड माउंटेन के गुंडे लिन और कीथ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। पर लिन ने बड़ी बहादुरी से सबका सामना किया और कीथ को लेकर बाहर आ गई। लेकिन वो कहां जानती थी कि पीछे से दो आदमी उस पर गोली चलाने को तैयार खड़े थे। तभी अचानक ट्रेविस ने वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी से कुचल दिया और लिन की जान बचाई। अब लिन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो और कीथ ट्रेविस की गाड़ी में बैठकर निकल गए। उधर जिम ने देखा कि उसका अपना दोस्त लिन की मदद कर रहा था। ये देखकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। जल्द ही रेड माउंटेन की गाड़ियां ट्रेविस की गाड़ी का पीछा करके उन पर गोलीबारी करने लगी। इधर से लिन ने गोलियां चलाकर उनका सामना किया, लेकिन जल्द ही जिम की गोली कीथ को आ लगी। ट्रेविस ने जबरदस्त तरीके से गाड़ी मोड़कर दुश्मनों का एक्सीडेंट करवा दिया और आखिरकार वो तीनों एक सुरक्षित बीच पर आ पहुंचे। पर गाड़ी से निकलते ही कीथ ने दम तोड़ दिया और तब लिन की नजर उसके हाथ में छिपे मेमोरी कार्ड पर पड़ी। तभी एक आदमी ने जिम को इंटेलिजेंस एजेंसी का कैमरा लाकर दिया, लेकिन कीथ की बदौलत उसमें मेमोरी कार्ड तो था ही नहीं। अब जिम को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अगर वेट्सलर को इसका पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अब जिम ने अपने आदमियों को हांगकांग भेजकर लिन के बेटे क्रिस्टोफर को अगवा करने का हुक्म दिया। इसके बाद उसने हर एक कहानी के लास्ट में मर जाने वाले विलन की तरह धमकी दी, लिन तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। ये सुनकर लिन शॉक के मारे जमीन पर गिर गई और फिर ट्रेविस ने जिम से बात की। जिम ने साफ सीधे तौर पर बताया कि मेमोरी कार्ड दे दो, बच्चा ले लो, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद ट्रेविस लिन को रेड माउंटेन के पुराने अड्डे पर लेकर गया जहां उसका खुफिया ऑफिस हुआ करता था। ट्रेविस ने वहां से सारे हथियार और बम इकट्ठे किए। इसके बाद वो दोनों एक बस्ती में पहुंचे और वहां के मुखिया अमेहले से मदद मांगी। ट्रेविस ने लिन को बताया कि इस बस्ती के सैकड़ों लोगों को रेड माउंटेन के आदमी अगवा करके ले गए और फिर वेट्सलर ने जानवरों की तरह उन पर एक्सपेरिमेंट किए। अमाहले के दिल में भी अपने लोगों के बदले की आग जल रही थी, इसीलिए उसने ट्रेविस से तुरंत हाथ मिला लिया। फिर कुछ घंटों बाद ट्रेविस मीटिंग की जगह पहुंचा जहां उसका सामना रेड माउंटेन के जैक से हुआ। जल्द ही ट्रेविस ने सीटी मारी और चारों ओर से सभी बस्ती वाले हथियार लेकर बाहर आ गए। अब ट्रेविस जैक से डील की बात कर रहा था कि अचानक वो घुटनों पर गिर गया, क्योंकि अब उसके पास कुछ ही घंटे बचे थे। तब जैक ने गुस्से में ट्रेविस पर बंदूक तान दी, पर अचानक पीछे से अमाहले ने आकर जैक को गोली मार दी और इसी के साथ हर तरफ जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लेकिन रेड माउंटेन के आदमियों के पास खतरनाक आधुनिक हथियार थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ही मिनटों में सबको मौत के घाट उतार दिया। तभी दो गाड़ियां वहां से भागने लगी तो बस्ती वालों ने एक में तो धमाका कर दिया और ट्रेविस और लिन दूसरी गाड़ी का पीछा करने लगे। जल्द ही ट्रेविस ने छोटे रास्ते का इस्तेमाल करके उनका रास्ता रोक लिया। फिर लिन ने तुरंत गाड़ी के ड्राइवर को मार डाला और आखिरकार अपने बेटे को गले लगाया। उन्हें देखकर ट्रेविस को अपने परिवार की याद आ गई कि कैसे उसने हमेशा काम को आगे रखा और कभी उनके साथ वक्त ही नहीं बिताया। खैर अब उसके पास सिर्फ 36 मिनट बाकी थे, इसीलिए वो लिन को अलविदा कहकर अपना बदला लेने के लिए रेड माउंटेन के अड्डे की ओर निकल पड़ा। खैर जब वो अड्डे पर पहुंचा तो उसने तुरंत गार्ड को गोली मार दी जिससे पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगा। जिम और वेट्सलर कैमरा से ट्रेविस पर नजर रखे हुए थे। जिम ने वहां लगे स्पीकर से ट्रेविस को समझाने की कोशिश की और वेट्सलर ने उसे धमकी दी कि अगर ट्रेविस
नहीं रुका तो वो फ्रैंक को मार डालेगा। लेकिन ट्रैविस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फ्रैंक को फोन करके आगाह करने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने फोन नहीं उठाया। अब बैचलर ने अपने आदमियों को हर जगह तैनात कर दिया और ट्रैविस पूरी स्पीड से गाड़ी भगाकर रिसेप्शन में घुस गया। बैचलर के गुंडों ने तुरंत उसकी गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन तब तक ट्रैविस गायब हो चुका था। उधर फ्रैंक के घर दो आदमी घुस आए, लेकिन फ्रैंक ने भी कुछ ही बलों में उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। वहीं रेड माउंटेन में गुंडों ने देखा कि ट्रैविस की गाड़ी तो बॉम्ब से भरी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते वहां जबरदस्त धमाका हुआ जिससे सब कुछ तबाह हो गया। उधर ट्रैविस अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वेट्सलर की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार जब ट्रैविस वेट्सलर के ऑफिस पहुंचा तो उसके पास अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, पर वो फिर भी एक एक करके गार्ड्स को मारता रहा। उधर जिम ये बात बखूबी जानता था कि ट्रैविस से बचने का कोई रास्ता तो है नहीं, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का आखिरी जाम बनाया और पीने लगा। मौका देखकर वेट्सलर ने भागने की कोशिश की तो ट्रैविस ने उसकी टांग में गोली मार दी। अब ट्रैविस हाथ में दो बंदूक के लिए वेट्सलर और जिम को निशाना बनाए खड़ा था। आखिरकार वेट्सलर ने कबूल किया कि उसने ही ट्रैविस के परिवार को मरवाया था, क्योंकि ट्रैविस उनकी वजह से काम छोड़ रहा था। अब ट्रैविस ने वेट्सलर के कंधे पर गोली चलाई, लेकिन जिम को रिहा कर दिया क्योंकि उसने जो भी किया मजबूरी में किया। फिर उसने जिम से लिन के पीछे गई टीम को रोकने को कहा, और आखिरकार जिम ने अपनी दोस्ती की खातिर ट्रैविस की बात मान भी ली। अब ट्रैविस के पास सिर्फ एक मिनट बाकी था और वो अचानक से नीचे गिर गया, इसीलिए जिम ने वेट्सलर पर बंदूक तान दी। पर तभी बाकी गुंडों ने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जिम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए गोली चला दी, लेकिन उसी पल गुंडों ने उसे भी मार दिया। आखिरकार ट्रैविस के 24 घंटे पूरे हो गए और वो फिर से अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। पर अचानक उसे हेलेन की आवाज सुनाई दी और ट्रैविस की आंखें फिर से खुल गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।